मेरा दायित्व बनता मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। मैं कह सकता हूँ खता कटने 27 में सपा चक के लिए तैयारी रखी, 27 में सपा चक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है। इन लोगों ने संविधान को बदलने की बात कहकर लोगों को गुमराह किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2027 के चुनाव में खटाखट करने वालों को हम सपा चट कर देंगे और 2027 में सपा चट हो जाएगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने और भी कई मुद्दों पर यूपी विधानसभा में जोशीला भाषण दिया है जो अब खूब वायरल हो रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में विपक्ष की बोलती बंद करवा दी। मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। न्यूज प्लस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पर इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, उसका समय पूरा हो गया। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। चार ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं, और अलग अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं, बोलता है उसको भी डांटता है अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है फिर चौतीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया, कहां गया 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खता कटनी 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी, 27 में सपा चट। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज प्लस को देखते रहें।